टेंशन मत लो, ताऊ जी जरूर तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। हाय हाय ताऊ जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। दीदी तुम अकेली क्यों आई? जीजा जी कहाँ हैं? अब वो नहीं आएंगे, पैसे वालों का भरोसा करके हम फिर धोखा खावे। तुम्हारी बड़ी दीदी के पैसे वालों के घर में शादी करवाई, ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर ये सुसाइड करने जा रही थी। पैसे वाले से शादी करने का अच्छा सिला मिला है इसे, अब वो अपने अहंकार की वजह से इसे इसके बच्चों के साथ सड़क पर छोड़ गया है। उम्मीद है कि तुम इसकी गलतियों को दोहराओगे नहीं, वरना मैं टूट जाऊंगा। बताओ बेटी, कौन है वो? डैडी, मैं जिससे प्यार करती हूँ, लगता है वो आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। डैडी को पता चलेगा कि ये करोड़पति है तो वो मना कर देंगे। तुम्हारे पापा आ गए? हाँ। रुको रुको, पहले मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? पहले वादा करो। ठीक है, वादा किया। अब बताओ क्या है? अब तुम्हें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, ओके? नंबर वन, तुम करोड़पति नहीं हो, मेरे साथ काम करो। नंबर टू, तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम एक अनाथ हो। नंबर थ्री, पैसे वाले लोगों से तुम नफरत करते हो। ये सब क्या है? तुमने मुझसे वादा कर लिया है बस। ठीक है। उसने अपने मालिक को एक नौकर बनाकर परिचय करवाया। वेरी इंटरेस्टिंग। कोट ठीक से पहनो। भैया, ये मेरे ताऊ जी का लड़का है। जी नहीं, चाचा का लड़का हूँ। जो भी हो, भाई हो ना। ये लोग कौन हैं? अपनी डिटेक्टिव गिरी बंद करो। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ। ये चंदू हैं, मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं। नमस्कार। और ये हम दोनों के बॉस। अच्छा, एम्प्लॉय की शादी की बात करने के लिए बॉस क्यों आया है? समथिंग इज फिशी। वो क्या है ना, मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि इसकी शादी में पॉम्फ्रेट खिलाऊंगा, बस इतना ही फिशी है। लेकिन बेटा, माँ कहाँ से आ गई? तुम तो अनाथ हो ना? वही तो ताऊ जी, अनाथ होगी भी माँ तो होती है ना, बिना मदर के अनाथ कैसे बनेंगे? सर, इन्होंने भी सही कहा है। ये क्या? खुद सर होके इन्हें सर क्यों कह रहे? हमारी ऑफिस में सब एक दूसरे को सर और मैडम कहते हैं, मुझे भी मैडम कहते हैं। इसमें कुछ तो झोल है ताऊ जी, सोच लो। तू चुप कर। बेटा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50 तक मिल जाती है। मेरी बेटी से कम है। तुम में अकल भी कम है। हेलो। हाँ जी, पीएफ चंद्रशेखर स्पीकिंग। 10 मिनट बाद फोन कर रहा, थैंक यू। तुम खुद को चंद्रशेखर के पीए क्यों कह रहे हो? बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं जी, मैंने पीए चंद्रशेखर कहा, पीए मतलब पीताम्बर आदित्य चंद्रशेखर। तुमने पीए ऑफ कहा था? ये ऑफ कहते, बिजली ऑफ क्यों हो गई? ये कैसे हुआ? लगता है दीवार टकरा गई मुझसे। तू दीवार के पास गया कब? आप समझे नहीं ताऊ जी, ऐसा लगा दीवार खुद यहाँ आकर मुझसे टकरा गई। ये कैसे हो सकता है? बेटा जी कहिए। तुम्हारी शादी के लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि तुम भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो। ऐसा मत सोचिए, मैं तो आपसे भी लो क्लास हूँ। नहीं नहीं बेटा, बुरा मत मानो, भगवान सभी को समृद्ध नहीं बनाता, ये कड़वा सच है। वैसे एक बात कहूँगा, हाँ। मेरी स्टाइल में शादी होगी, ग्रैंड लेवल पे, पूरे 10 लाख खर्चा करेंगे। आप इतना ग्रैंड करेंगे सर? हाँ, हमारे ताऊ जी की यही हैसियत है। सर मुझे इजाजत दीजिए। डैडी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे जाओ, उन्हें नीचे छोड़ कर आओ। संदेह करने वाले बोमन की नाक टूट गई। तुमने ये झूठ क्यों बोला? मेरे डैडी को पैसे वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए मुझे पता है कि ये गलत है। शादी के बाद एक दिन उनका अच्छा मूड देखकर खुद ही उनसे सच बता दूंगी। तब तक के लिए इस झूठ को ऐसे ही रहने दोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस? ये क्या मतलब है? पिताजी को कन्विंस करने के लिए सिंपल वे में शादी करोगे? तुमने सबकी शादी ग्रैंड तरीके से करवाई है, पर खुद की शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हो? हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे। क्या करोगे हमें नहीं पता, बस तुम्हारी शादी ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए। वैसे भी ये पिताजी की इच्छा थी। व्हाट अ टाइट सिचुएशन सर। आपके ससुर जी की आदत है कि जब किसी चीज के भाव गिर जाए तब खरीदो, लेकिन आपकी आदत है कि जब किसी चीज के भाव सबसे ज्यादा हो तब खरीदो। आप ये शादी कैसे करोगे? हो जाएगी, जितना आप लोग चाहते उतना ग्रैंड होगा, जितना वो लोग चाहते उतना सिंपल होगा। तो सबको लकी डिप की स्कीम समझ आ गई ना? लकी डिप? हाँ डैडी, हमारी कंपनी में काम करने वाले कुंवारे लोगों के लिए हर साल लकी डिप निकालते हैं। उसमें जिसका भी नाम आता है उसकी शादी हमारे चेयरमैन के परिवार की तरह ग्रैंड धूमधाम से की जाती है। टेंट लगाकर शादी करने वाले हम जैसों को अगर लकी डिप के बारे में बताओगी तो कंफ्यूजन होगा ही। हम आपके कंफ्यूजन को कैश कर देंगे सर। कैश? कैश मतलब? उनके कहने का मतलब है कि वो शादी का कैश संभाले। तो ऐसे कहो ना बाबूजी। हाँ? तो आ गए आप। गुड मॉर्निंग सर। मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए था ना। ये लोग आंख क्यों मार रहे हैं? वो क्या है ना ससुर जी, लकी ड्रॉ है ना, तो दाई आंख फड़कने से ये जीत जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। तो अच्छा ही है, क्योंकि
दाई आंख फड़कती है तो अच्छा है, बाई का फड़कना अच्छा नहीं। बाबूजी आइए आप निकालिए। मैं हाँ, इसका शुभारंभ तो आप ही कीजिए। तुमने देखा था माँ जी, मैंने कहा था ना इसकी किस्मत के बारे में, अब तुम्हारी लाइफ पलट जाएगी। अपने लेवल में इस लकी डिप को जोड़कर तुम्हारी शादी कैसे करवाता हूँ देख लेना। अरे वाह, कितना खुश हूँ मैं तुम्हें दूल्हे के लिबास में देखकर। चंदू, इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। नमस्ते, नमस्ते। दुल्हन चांद का टुकड़ा लग रही है। ये कौन है? कौन क्या मतलब, धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी राजशेखर धर्मा। ओ, एमडी लकी डिप ब्रदर। सर, ब्रदर। ओ, नमस्कार सर, नमस्कार। और दोनों परिवार में संधि भी हो गई। और ठीक तभी वेडिंग प्लानर मिसेस चंदा से बात करो तुम। फ्लावर डेकोरेशन में 25 लाख का खर्चा दिखाया है तुमने, उसमें कुछ कमीशन खाया है क्या? कौन है ये जो आप पर उंगली? इन्हें क्या समझते हो, लड़के के मालिक हैं। ओह, ओह, सॉरी सॉरी चेयरमैन सर, पीछे से देखकर कंफ्यूज हो गया था। आइए 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 सर। ये कैसे बात करते हैं, पागल है क्या? डैडी हमेशा ऐसा ही करते थे। क्या वो तुम्हारे डैडी हैं? जी हाँ, श्री शिवराम। एक मिनट, उस दिन तो कोई और सरनेम बताया था। हाँ तो कहाँ होगा, मेरी माँ का सरनेम अलग है, मेरे बाप का सरनेम अलग है। मैं अपनी माँ के घर पैदा हुआ इसलिए मैंने अपनी माँ का नेम यूज कर लिया। पता नहीं जी, हमें तो बस कंफ्यूजन हो रहा है। हम तो तुमसे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं भाई। आइए आइए, मुहूर्त का टाइम निकला। सारे कंफ्यूजन के बाद सारे लोग मंडप में प्रवेश करने लगे। शादी धूमधाम से करेंगे और सोचा था कि डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सारा इंतजाम आप खुद देखेंगे ये नहीं सोचा। सिक्किम के सीएम आ रहे हैं। सिक्किम के सीएम थे ना, वहाँ गए। चलो चलो, इस लकी डिप वाली शादी में सिक्किम के सीएम किस लिए? पता नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते डैडी। हाँ, सिक्किम के सीएम इतने सीख क्यों हैं? पास आकर बैठिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी मेरी लेटी है। आपकी बेटी? हाँ। लकी डिप, लकी लकी डिप। ओहो, बेटी लकी डिप। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं, बेटी मेरी बेटी, शादी लकी डिप। अच्छा सर, उठिए उठिए। अब कौन आ रहे हैं? पंजाब के गवर्नर आ रहे हैं। पंजाब के गवर्नर? अरे चलो चलो उधर चलो। आइए आइए। धर्मा ग्रुप वालों से उनकी अच्छी पहचान हो वो लगता है। पहचानी नहीं, पुराना याराना है। आप चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूंगा, बल्ले बल्ले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेटी मेरी बेटी, लकी डिप लकी डिप। बेटी लकी डिप पे आई? नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी बेटी, शादी लकी डिप में हुई है। कोई शादी लकी डिप? डैडी टेंशन में क्यों है? अरे अब इस बार कौन आने वाला है यही टेंशन है। सर सर सर, दिल्ली के सीएम आ रहे हैं, जरा इस तरफ बैठ जाइए। सीएम? अरे चलो भाई उधर चलो।